सही है। तो डेट इज नॉट अगर इसका प्रोसेस बना दूँ मैं आपको, इस प्रोसेस को काम करना प्रोसीजर लग दूँ, यानी टॉप टू डाउन आप चल, ठीक है, टॉप टू डाउन चल दो भाई, ये जो आपका पूरा हमने प्रोसेस वीडियो बना दिया, सही क्या देर स्टार्ट यहाँ से और यहाँ लगा पर दिन खत्म होगा, अगले दिन आप ऊपर से स्टार्ट करोगे नीचे भी काम, ठीक है, नहीं आपने प्रोसेस का बताया। अब दूसरी आइडिया आ रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी मोस्ट ऑफ द रियल लाइफ प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी ये होती है जिसके अंदर रियल लाइफ मैथड्स होते हैं, जैसे मेरे दादा तो उनका नाम था फॉर एग्जाम्पल ए, उनके दो बेटे थे एक थे बी एंड एक थे सी, इनके भी दो बेटे थे एक थे डी एंड एक थे ई एंड इन इसी तरह एफ का भी एक पेरेंट होगा एंड देयर कैन बी मल्टीपल चिल्ड्रन, सही है, जैसे मेरे दादा थे तो दो बेटे थे, वन हो गए टू हो गए, सही है, लेकिन सी के भी वालिद साहब दादा थे एंड वन के बी के भी वालिद साहब दादा थे, इसी तरह ई और डी के वालिद साहब बी, ठीक है, यानी ये होगा मैं रियल लाइफ सिनेरियो उसके अंदर ऐसी चीज़ें फेस करते हैं, तो उसके अंदर हमेशा टॉप टू डाउन नहीं जाते। अब हम कैसे इस बात को मैं आपको समझाऊँ, अब देखें जैसे मेरे दादा जी भी चाह रहे थे, ऑब्वियस सी बात है मेरे अब्बू नजर होंगी एंड जैसे ये ए भी को चाह रहे थे बी में होंगी और ए के भी चाह रहे थे सी में भी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सी की हालत में ए में आए, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, इसी तरह सी की हालत में एफ में तो आ सकती है लेकिन एफ की हालत में ए में आए आएंगी नहीं आएंगी, क्योंकि सी की हालत में ए ने सी की हालत देगी, सी ने अपनी हालत में एफ को देगी लेकिन एफ अपनी हालत में कभी ए को नहीं दे सकता। इसी तरह हम देखते हैं भाई के जो खानदान में परदादा थे वो गुस्से वाले थे, तो पता चला हमारे दादा गुस्से वाले, हमारे दादा गुस्से वाले थे हमारे अपनी में गुस्सा, तो ये कहते हैं जिसको कहते हैं इनहेरिटेंस। तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग का जो सबसे बेसिक रूल है या जिसकी वजह से शिक्षा जानी जाती है वो तो जानी जाती है इनहेरिटेंस की वजह से, कि भाई अगर मेरे अंदर कुछ आदत है तो ऑब्वियस बात हो मेरे चॉइस होगी, पॉसिबल है वो ज़रूरी नहीं है, सही, तो इससे क्या होता है हमारे चीज़ों को हमें आसानी से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसको रन आउट कर सकते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे देखें, अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चले मैं पी एच पी की बात करूँ, पी एच पी एक वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है, सही है, इसके बहुत सारे वर्जन आते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहले पी एच पी वन थी, फिर आगे पी एच पी टू एंड फिर आगे पी एच पी, सही, इसी तरह थ्री आई फोर आई फाइव आई सिक्स है और चल गई सेवन। अब थोड़ी बात सोचिए अगर एंड्रॉयड का वर्जन जो पुराना था वो वाली एप्लीकेशन आज के एंड्रॉयड वर्जन में चलती है या नहीं, पुरानी वर्जन की एप्लीकेशन आज के वर्जन में चलती है या नहीं, चलती है, लेकिन जो हमारी हमारा कंप्यूटर नया है और उसकी बात है ये अच्छा कंप्यूटर है इसमें पुराने ज़माने की गेमें चलेंगी, लेकिन पुराने ज़माने के कंप्यूटर में आज की बनाई हुई गेम नहीं चली। तो होता कुछ यूँ है कि जब पी एस पी का पहला वर्जन आया तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको नाम दिया पी एस पी वन, चलो पी एस पी वन नाम दे दिया। अब जब पी एस पी का सेकंड वर्जन आया तो मैंने पी एस पी के वन वाले को इसमें इनहेरिट करवा दी, कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो कि उसकी पुरानी वाली चीज़ें गायब हो जाए, पुरानी वाली चीज़ें तो नए वाले वर्जन में होंगी लेकिन इसका मजीद भी अपनी कुछ और एडिशनल चीज़ें होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट आया मानना रूप के अंदर, इसी तरह जो पी एच पी थ्री में होंगी उसके पास पी एच पी टू का भी डाटा होगा, पी एच पी वन का भी डाटा होगा, इसी तरह हमारे जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते रहते हैं वर्जन के हिसाब से तो वो एक तरह से पुराने वर्जन पर इनहेरिट करते हैं, इसके बाद आगे उसमें मजीद एडिशनल चीज़ें करते हैं, दैट्स गोज टू फोटोशॉप, सही है, इसी तरह गूगल क्रोम के पुराने वर्जन अपग्रेड करते हैं, ऐसा नहीं होता कि पुराना डाटा उड़ गया या पुरानी चीज़ें चली गई, पुरानी वाली तो चलेगी मजीद एडिशनल कुछ और ऑप्शन आ जाते हैं एंड डेट फॉर दोस्तों फेसबुक एंड मर्जी पर हमारे यहाँ जब आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते, ठीक है, पानी से तो उल्टी है। तो ये आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एंड प्रोसीजर लेवल बिल्कुल सीधी सी होती है भाई, एक ही रूल सेट ऑफ रूल्स है जो काफी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, इसके अलावा ऐसे नहीं आपको अगर दूसरे में जाने
तो अब ये बात आपको पूरा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, इसको इनहेरिटेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ये बेसिक्स का एक्सप्लेनेशन की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच ही रहती है। इसके अलावा भी मजीद इसके अंदर लास्ट एरिया है जो हम कवर आउट करेंगे जब हम इस कोर्स को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो बेसिक्स की चीज़ें अभी इसके अंदर, अब इसी तरह आ जाते हैं देखिए मल्टीपल लैंग्वेज का नाम लिखेंगे, जैसे जावा। जावा हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसी तरह इधर भी लिखा था सी प्लस, सी प्लस प्लस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, सही है। इसी तरह इधर लिखा हुआ है सी, ये बेसिक सी है। सी इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब बात करूँगा मैं पी एच पी की, पी एच पी सर्वर साइड लैंग्वेज है। ठीक है, वो मजीद जब पढ़ेंगे तो वो आपको लाल भाई एक्सप्लेन हमारे कर दीजिए कि पी एच पी और भी स्पीच। अब देखिए पी एच पी फाइव वर्जन फोर फाइव वर्जन तक तो शायद ये प्रोसीजरल लैंग्वेज थी, लेकिन उन्होंने कहा यार इससे काम नहीं बनेगा। तो फिफ्थ वर्जन के बाद से ये लोग इसको कौन सा वर्जन इसको पढ़ लिया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को के बाद। इसके अलावा इनहेरिटेंस कर सकते हैं क्लासेस को, यानी पुराने कोड के इनहेरिट करके नए कोड में लेकर आते हैं, सही। इसके बाद हमारे पास बहुत से वर्ड है, प्रोलॉग है, यू है, एंड पास्कल है, बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं, सही है। अब देखिए ऑफिस हमारे लैंग्वेजेज दो तरह की भी है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, सर्वर साइड लैंग्वेजेस, बहुत तरह की आती है। बेसिक से कुछ बात। अच्छा, अब यहाँ तो आपको कोई बात क्लियर होगी कि हम अगर हम प्रोग्रामिंग का कोर्स लेते हैं तो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे या क्या चीज सीखेंगे, कुछ उत्तर क्लियर हुआ। अब देखें अगर मैं बात करूँ, देखें हमारे पास दो तक तीन तरह की एप्लीकेशन होती है जो हम बनाते हैं। पहली एप्लीकेशन मैंने बात की डेस्कटॉप की, एक आते हैं हमारे पास एंड्रॉइड, या चलो एंड्रॉइड को छोड़ देते जनरल ले लेते मोबाइल एप्लीकेशन। एक आ जाता है हमारा वेब एप्लीकेशन, ठीक है। देखिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो है, वो वाली एप्लीकेशन होती है जिसमें हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप के अंदर चलेगा। डेस्कटॉप से मुराद आपके अपने पीसी के अंदर, नॉट इन अ कंप्यूटर एंड नॉट ऑन एनी इंटरनेट, यानी कि सर्च इंजन पे, किसी भी सर्च इंजन पे वो नहीं चलेगा और किसी भी मोबाइल पे नहीं चलेगा। वो आप मल्टीपल डेस्कटॉप पे चला, सिंगल डेस्कटॉप पे चला, वो आपको ठीक है। तो ये आ जाएगा डेस्कटॉप एप्लीकेशन। एंड जो मोबाइल में जो ऐप्स हम बनाते हैं, जैसे हम यूट्यूब हो गए एप्लीकेशन की है, और हमारे पास कैलकुलेटर हो गया मोबाइल का, बोर्ड हो गया, कैमरा हो गया, या हम जो डिफरेंट गेम्स बनाते हैं वो सारे आ जाए मोबाइल एप्लीकेशन। इसी तरह जो वेब एप्लीकेशन है वो आपके एंड्रॉयड पे डायरेक्ट ऐप के थ्रू नहीं चलते, ना आपके डेस्कटॉप पे कोई अलग से आइकन बना हुआ होता है इसके चलती है। वो होती है जब आप किसी सर्च इंजन को ऑन करते हैं, उसके ऊपर जो मान लेते हैं फेसबुक है, सर्च इंजन में जाके जब मैं जाऊँगा यूट्यूब पे, दैट इज यूट्यूब वेब एप्लीकेशन। अगर मैं यूट्यूब पर अपने एंड्रॉयड मोबाइल से खोल रहा हूँ उसकी ऐप के थ्रू, वो मोबाइल एप्लीकेशन। इसी तरह जो मैं जीमेल, अगर मैं अपने जी मेल अकाउंट बैंक से जाके खोल रहा हूँ गूगल क्रोम पे या बिंग पे, तो वो वेब एप्लीकेशन चलती है। लेकिन जब मैं उसी चीज़ को अपने मोबाइल में खोलता हूँ डायरेक्ट ऐप पे, तो वो हो जाती है सही। तो यानी एक ही चीज़ की हम मल्टीपल वर्जन बना सकते हैं। लेकिन आती जैसी बात नहीं है कि अगर वेब एप्लीकेशन है तभी मैं दुनिया में कहीं भी बैठ के वेब एप्लीकेशन के थ्रू ही अपना डाटा देख सकता हूँ। आप देख भी सकते हैं, अगर आपने जिसकी चीज़ें होती आप देख भी सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में ये ऐसा अर्जेंट नहीं है कि भाई आप ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर एक मोबाइल किया है तो आप उसी मोबाइल पर किसी और जगह बैठ के उसमें डाटा नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। यू कैन सी एंड सेम है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन को जो लोग ज़्यादा समझते हैं आपके जैसे वी एल सी या डेस्कटॉप एप्लीकेशन, हाँ भाई वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है सही है, मगर इसका ये मतलब ये है कि यू कैन नॉट मेक एनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंटरनेट। मैं ऐसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकता हूँ जो डायरेक्टली आपको नजर नहीं आती, इनडायरेक्टली वो नेट के थ्रू चलती है। तो आप किसी भी दुनिया में कहीं भी बैठ के अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन से डाटा रिसीव कर सकते हैं, सही है। तो हम देखिए मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी यूज होती है, मोबाइल भी यूज होती है, वेब भी यूज होती है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपके सामने हजारों, मोबाइल एप्लीकेशन भी आपके सामने उसकी मार्केट है,
एंड वेब एप्लीकेशन भी आपके सामने है। बार आती है, देखिए मोस्टली जो होता है लोग जो फोकस करते हैं इन दोनों चीज़ों को करने को, जब अगर मेरी वेब एप्लीकेशन है तो मेरी मोबाइल एप्लीकेशन भी होनी चाहिए, सही है। जैसे गूगल क्रोम है, मेरे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन थी गूगल क्रोम, मैंने अपने लैपटॉप पर गूगल क्रोम डाउनलोड किया तो मेरे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन, लेकिन उसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी बन गई, ठीक है, लेकिन उसकी वेब एप्लीकेशन नहीं है। इसी तरह यूट्यूब वेब एप्लीकेशन है और मोबाइल एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं है। देखिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन की अगर वो भी तो उसकी है, आप विंडोज 10 में देखो आइकन बना हुआ आता है यूट्यूब का, तो वो क्या है, वो उसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है इंटरनेट से, सही है। लेकिन देखिए मेजॉरिटी जो चीज़ें हैं ना वो इन दोनों के होती है। देखिए हमारी जितनी भी वेबसाइट है ना वो ज़्यादातर अपनी मोबाइल एप्लीकेशन बनाती है ताकि हमारे एंड यूज़र के लिए हम आसानी प्रोवाइड कर सकें, सही है। जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, ये सोशल एप्लीकेशन की बात करूँ, इसी तरह अगर मैं बात करूँ इतने सारे हमारे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है जो लोगों ने वेब पे भी बनाई हुई है और उनके सेट होंगे या उनके ओनर्स ने उसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई थी। मोबाइल एप्लीकेशन के फ्रंट पे हमारे जैसे लोगों ने कहा भाई ये हमारी कंपनी है, इसकी रिव्यू फीडबैक्स है, लेकिन बैक एंड पे वो अपने किसी वेब एप्लीकेशन की जो समरी है कितनी इनकम है, कितना प्रॉफिट होगा, वो सिर्फ ओनर बैठ के मोबाइल पर देख रहे हैं, सही। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर आपने वेब एप्लीकेशन पे कोई डाटा डाला हुआ है तो आप उसको मोबाइल एप्लीकेशन पर नहीं दे सकते, दैट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप उसको किस तरह कहाँ पर मोड करवाना चाहते हैं। तो हम ये भी बोलेंगे यार कि अगर मैंने एक चीज़ सीख ली तो पूरी की पूरी मार्केट पाकिस्तान की और वर्ल्ड की सब वेब एप्लीकेशन पर काम करते हैं, ऐसा लोग मोबाइल पर भी काम करते हैं, डेस्कटॉप पर भी काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे इतने सारे मार्केट्स में ये होता है, अगर मैं एक तरह से एंड यूजर की बात करूँ तो वो ज़्यादा सिक्योर समझते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन, और बोलते हैं तो उसका कोई भी ताल्लुक नेट से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भाई हमारे कारोबार की चीज़ें हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, मेरा इतना हमारा कारोबार ही नहीं है मोबाइल कंप्यूटर पर बैठ कर दुकान में देख लूँगा, तो इससे क्या होगा मेरा कारोबार ही मेरे लैपटॉप पर रहेगा, तो वो अपनी वेब एप्लीकेशन ही बनाते हैं, बोलते हैं सिक्योरिटी इशूज हैं, सही। तो ऐसा अर्गेज नहीं है कि खाली वेब के अंदर ही सिक्योरिटी इशूज हैं, मे बी पॉसिबल डेस्कटॉप के अंदर भी आपको कोई आ के वेदर रीजन, और डेस्कटॉप के अंदर ज़्यादा इनसिक्योरिटी है कंपेयर टू वेब, देखो ज़्यादा नहीं बोले क्योंकि दोनों के अंदर डिफरेंट साइड इफेक्ट है। जैसे डेस्कटॉप के अंदर आपने डाला हुआ है आपका कंप्यूटर खराब हो गया, हार्ड ड्राइव भी क्रैश कर जाए तो आप किसको ब्लेम करोगे, सिक्योरिटी तो उसके अंदर भी नहीं है, वेब के अंदर भी सिक्योरिटी नहीं है। आपने किसी भी कोई भी वेबसाइट वाला अपनी वेबसाइट को ये नहीं बोलेगा कि मेरी वेब 100% सिक्योर है, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर चलेंगे वो हमेशा बोलते भाई मेरी वेबसाइट 99% सिक्योर है, कुछ और मजीद अपने सोशल के लिए उसको बोलते भाई 99.99% सिक्योर है, कुछ और आ जाते अच्छे लोग तो उसके अंदर 4-9 आगे लगा देते हैं, तब भी 1% की गुंजाइश तो बचती है जो कि हैकर्स के लिए ओपन होती है, सही है, कि वो भाई कहीं से भी आके आपका डाटा लिखा सकते हैं, सही है। जब हमारे को हमारे घर की सिक्योरिटी नहीं है तो हम यहाँ पे आपकी घर की एप्लीकेशन की सिक्योरिटी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन के भी जो ड्रॉबैक्स हैं ऑब्वियसली बात है मार्केट है इसके भी ओवरकम करने के डिफरेंट तरीके हैं कि भाई बैकअप डेली बेसिस पर हो रहा है, ठीक है, आप रोज यूएसबी अपना डाटा लेके दूसरी जगह सेव कर रहे हैं या जब आपका डाटा चेंज होगा तो एक दूसरी जगह आपकी बैकअप बनता रहेगा, सही है। नेटवर्क से बहुत सी चीज़ें हैं, सेम को बुला रहे हैं सेम दोस्तों, ठीक है, डेट्स ऑल। अब मजीद आपको कौन मिलेगा।